दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा यूजी पार्ट थ्री वाले छात्रों का जिनका सेशन 2019 से 22 है लेकिन वो छात्र पार्ट टू रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच में पार्ट थ्री में नामांकन की तिथि कुछ कॉलेजों के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आइए बताते हैं कि आपको कैसे नामांकन लेना है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आप लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिनका सेशन 2019 से 22 है तो आप अपने महाविद्यालय से पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में पार्ट थ्री में नामांकन चल रहा है या नहीं। तो समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के द्वारा आर्ट और साइंस वाले छात्रों के लिए जिनका सेशन 2019 से 22 है उन छात्रों के लिए नामांकन की तिथि जारी कर दी गई है जो कि 25 अप्रैल से लेकर 6 मई तक उनका नामांकन लिया जाएगा। नामांकन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? फर्स्ट नंबर पे नामांकन प्रपत्र जो कि आप लोगों ने नामांकन जो फॉर्म है वो लगेगा। इसके साथ ही आपका स्नातक प्रथम खंड का अंक प्रमाण पत्र का छायापत्री एक लेके जाना है। इसके बाद स्नातक प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड का नामांकन रसीद लेके जाना है। इसके बाद स्नातक द्वितीय खंड का प्रवेश पत्र की छायापत्री आपको मिल जाएगा, वो उसको लेके जाना है यानी एडमिट कार्ड को लेके जाना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज दो फोटो लगेगा। इसके बाद आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लेके जाए और आधार कार्ड आप अपने पास रख लें। ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप अपने महाविद्यालय में जाके नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों ये नोटिस अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर विजिट कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जितने भी कॉलेज चल रहे हैं उसमें पार्ट थ्री में नामांकन सभी कॉलेज में आप स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए। अगर आपके कॉलेज के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, अगर हमारे पास उपलब्ध होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं या तो दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है खबरी सपाटा। इसके बाद प्रथम नंबर पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगा, सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, प्रथम नंबर पर आपको पोस्ट मिल जाएगा पार्ट थ्री एडमिशन से रिलेटेड। इस पोस्ट को ओपन करना है, आपको पोस्ट को रीड कर लेना है। जब दोस्तों आपके सामने ये पोस्ट खुल के ओपन होगा तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके महाविद्यालय में यानी कुछ कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन लिया जाएगा तो कुछ कॉलेजों में ऑफलाइन। तो आपको अपने महाविद्यालय के कांटेक्ट में रहना है ताकि आप पता कर पाए कि आपके कॉलेज में कब से कब तक नामांकन लिया जाएगा। इसलिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।